एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्यूटीफुल पफ फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये पफ फ्लावर आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, टॉप में, बेबी ब्लैंकेट में, स्टॉल में एंड शॉल में कहीं भी लगाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। अब बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके बताएगा कि मेरी बनाए हुए पफ फ्लावर आपको कैसे लगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उस फ्लावर को बनाने के लिए मैं 4 प्लाई की वूल ली है एंड 5 नंबर का क्रोशेट हुक है 3.0 mm। आप 2 प्लाई की वूल एंड 6 नंबर का क्रोशेट हुक से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। बहुत इजी है बनाना। देखिए, ऐसे फिंगर में वूल को रैप करेंगे। ये जो बैक धागा है इसको हमें लेना है, ऐसे मैजिक रिंग बनकर रेडी हो गई। अब इसी रिंग में हमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं 12। चैन 1, सिंगल क्रोशेट लेंगे 1, 2, 3 सिंगल, तो 12 सिंगल क्रोशेट बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशेट बनाए हमने 11 एंड 12, टोटल 12 सिंगल क्रोशेट बनाई हमने। फर्स्ट चैन से ज्वाइन करेंगे, टाइट कर देंगे रिंग को। फर्स्ट चैन से ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया हमने 3 चैन 1, 2, 3 पफ स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशेट लेंगे सेम हुक में। देखिए, सेम स्टिच में हमें जहाँ से ज्वाइन किया सेम बनाना है, हमें यहीं पे भी पफ स्टिच बनाने हैं 1, 2 एंड 3 बनाए। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 3 पफ स्टिच बनानी है, यहाँ से 1, 2 एंड 3। एक साथ सभी लूप को निकालेंगे। चैन 1, 3 चैन 1, 2, 3 चैन ली हमने। नेक्स्ट स्टिच में, ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच ली हमने, चैन 3, 1, 2, 3 चैन लेंगे। फिर सेम स्टिच में पफ स्टिच बनाएंगे 1, 2 एंड 3 3 बनाए हमने। नेक्स्ट स्टिच में भी हमें 3 पफ स्टिच बनानी है 1, 2 एंड 3। देखिए, सभी लूप को एक साथ निकालेंगे। चैन 1, अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेनी है 1, 2, 3 नेक्स्ट स्टिच में। ये देखिए, नेक्स्ट स्टिच में हमें सिंगल क्रोशेट लेना है 3 चैन लेते हुए, सॉरी स्लिप स्टिच लेंगे। चैन 3, 1, 2, 3 सेम स्टिच में हमें फिर से पफ बनाइए। देखिए, तो ये हमारी 2 पेटल बनकर रेडी हो गई। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, 2 पेटल बनकर रेडी हो गई। नेक्स्ट स्टिच ये सेम स्टिच में बनाएंगे, जहाँ से हमने स्लिप स्टिच ज्वाइन किया यहीं पे हमें फिर 3 पफ स्टिच बनाने हैं 1, 2 एंड 3 नेक्स्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1, 2 एंड 3 3 बनाए हमने। एक साथ सभी लूप को निकालेंगे, चैन 1 लेंगे, 3 चैन 1, 2, 3 ये हमारे 3 पेटल बनकर रेडी हो गए। नेक्स्ट स्टिच में देखिए ध्यान से, नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच लेना है
चैन, थ्री वन टू एंड थ्री, थ्री चैन लेंगे। सेम स्टिच में हमें पफ बनाना है, वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट स्टिच में, इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमें वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए हमने, थ्री पफ बनाए हमने। साथ एक साथ सभी लूप को निकालेंगे, थ्री चैन। नेक्स्ट स्टिच में हमें स्लिप स्टिच लेना है, फिर थ्री चैन बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में अपनी पेटल बनाकर रेडी करेंगे इन दोनों स्टिच में, ये बना के पहले कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पेटल बनाकर रेडी की, लास्ट बनाएंगे, थ्री चैन लेंगे, वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट स्टिच, ये लास्ट की हमारी टू स्टिच है, इन्हीं टू स्टिच में बनाना है। स्लिप स्टिच लेंगे, थ्री चैन, वन टू थ्री, सेम स्टिच में बनाएंगे पफ, वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए हमने। नेक्स्ट स्टिच, लास्ट हमारी स्टिच है, इसमें हम बनाएंगे वन टू एंड थ्री, थ्री बनाए। सभी लूप को एक साथ निकालेंगे, चैन वन, थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, थ्री चैन ली हमने। सेम स्टिच में जहाँ से हमने ज्वाइन स्टार्टिंग की थी, इसी स्टिच में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। फूल को कट कर देंगे, ज्वाइन करने के बाद बैक साइड से नॉट लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। फूल को कट कर देंगे, अभी फूल को कट कर देंगे। ये देखिए फ्लावर बनकर रेडी हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें पर्ल लगाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि मैंने बनाया फ्लावर आपको कैसे लगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ।